नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका यूनिकॉर्न लैंग्वेज चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, आइए बात करते हैं डियर। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हुए हैं। तो डियर, हम लोग टेबल में जैसे एक बेसिक एग्जांपल बना लिए थे, आज हम लोग टेबल में थोड़ा सा फास्ट एग्जांपल, थोड़ा सा लेटेस्ट एग्जांपल की हम बात करें। ठीक है, टेबल को हम लोग और किस टाइप से ड्रा कर सकते हैं, टेबल में डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज ये बात करते हैं हम लोग टेबल के लिए, तो कैसे इसमें हम लोग वर्क करते हैं। तो वही काम करेंगे, सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे, कोडिंग करना शुरू कर देंगे। सारा प्रोसीजर हमारा वही होगा जैसा कि अभी तक हम लोग करते हुए चले आए हैं डियर, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले नोटपैड ओपन करते हैं, और नोटपैड ओपन करते ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तुरंत यहाँ पे आपके सामने नोटपैड की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप कोडिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कोडिंग कहाँ से करना शुरू कर देते हैं, आपको शायद पता है कि आपको सबसे पहले एचटीएमएल टैग लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एचटीएमएल टैग यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा एचटीएमएल टैग ओपन हुआ, वैसे हम लोग क्या करेंगे, तुरंत अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे बॉडी या टाइटल, हेड या कुछ भी दे सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग क्या सकते हैं, यहाँ पे बॉडी को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, क्या डिफाइन कर लेते हैं, बॉडी को डिफाइन कर लेंगे बॉडी टैग के अंदर। अगर टेबल बनाना है तो टेबल टैग भी डिफाइन कर लो। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पे हमने टेबल भी डिफाइन कर लिया। अब टेबल में आपको अगर बॉर्डर लगाना है तो टेबल बॉर्डर जो भी देना चाहते हो बिल्कुल दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। हमने यहाँ पे टेबल बॉर्डर डिफाइन कर लिया। ओके, टेबल बॉर्डर, चलिए टेबल यहाँ पे हमने बॉर्डर डिफाइन किया, कितना ले लिया, सपोज दैट 1 ले लिया। ठीक है, टेबल बॉर्डर हमारा 1 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, तुरंत यहाँ पे अपना हम स्टार्ट कर देते हैं टी आर टैग हमारा ओपन हो गया। टी एस डिफाइन कर लेते हैं, टी एस टैग में आपको जो भी लिखना है उसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। मान लीजिए टी एस में हमें लिखना है हेडर 1, ठीक है, हमने यहाँ पे हेडर 1 दे दिया, टी एस को यहीं पे बंद कर दिया। टी एस हमारा क्या हो, क्लोज हो गया। ओके, फिर यहाँ पे हमने टी एच ओपन कर लिया, टी एच ऐसे ही ओपन किया, यहाँ पे हमने दे दिया हेडर 2। हेडर 2, ठीक है, क्या कर दिया, हेडर यहाँ पे 2 कर दिया और तुरंत हमने टी एच को क्लोज कर दिया। टी एच हमारा दोस्तों यहाँ पे क्लोज होता है, टी एच को हमने यहाँ पे बंद कर दिया। अब क्या करना है डियर, इसी तरीके से अब क्या करना है, हमको सेल को डिफाइन करना है। बिल्कुल, यहाँ पे हम रख सकते हैं, टी डी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, टी डी टैग लगाएंगे और टी डी के अंदर जो भी डिफाइन करना है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। टी डी के अंदर हमें मान लीजिए कोई भी वैल्यू रखना है, कुछ भी रखना है। हमने यहाँ पे क्या रख दिया, हमने टी डी में क्या रख दिया, सेल 1 रख दिया, क्या रख दिया, सेल 1 रख दिया। ओके, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, टी डी को क्लोज कर दिया, बिल्कुल टी डी बंद हो गया। फिर हमने यहाँ पे टी डी ओपन कर लिया, टी डी टैग हमारा ओपन हुआ, सेल 2 हो गया। ओके, टी डी हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको जितना भी बढ़ाना है उतना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने फिर यहाँ पे क्या रख दिया, इंटर कर दिया। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे टी डी अप्लाई कर लिया। अब इसमें हमें जो भी करना है, सेल 3 करना है, हमने सेल 3 कर दिया, सेल 3 हो गया, टी डी बंद हो गया। ओके, फिर यहाँ पे हमको टी डी ओपन करना है। ओके, सेल 4 हो गया। ओके, हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे हमने टी डी क्लोज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको जितना सेल डिफाइन करना है, जितना सेल के अंदर डेटा को रखना है उतना आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है,
टी आर हमारा ओपन था, टी आर यहाँ पे हमारा बंद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा टी आर यहाँ पे ओपन था, टी आर को हम बंद कर देंगे, बिल्कुल टी आर हमारा ओपन था, टी आर बंद हो गया, हमने टी आर को क्लोज कर दिया। ओके टी आर जैसे ही हमारा क्लोज हुआ, अब हमको क्या करना है, फिर से हमको टी आर ओपन कर लेना है। चलिए टी आर हमने ओपन कर दिया, अब क्या करेंगे डियर, टी आर बंद हो गया। ओके टी आर बंद हो गया, अब क्या ओपन है आपका, टेबल ओपन है, टेबल क्लोज कर दो, टेबल हमने क्लोज कर दिया। अब क्या ओपन है, बॉडी ओपन है, बॉडी बंद कर दो, हमने यहाँ पे बॉडी बंद कर दिया। ओके अब क्या है, अब क्या है आपका, एचटीएमएल ओपन है, एचटीएमएल बंद कर दो, एचटीएमएल बंद हो गया। इस तरीके से हम कितना भी वैल्यू को अपने टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। फाइल को सेव कर लीजिए, यहाँ पे आते हैं, सेव ऑप्शन पे आते हैं, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस नाम से सेव करना है सेव कर लो, रवि नाम से सेव करना है, रवि डॉट एच टी एम एल हमने टाइप कर दिया, हमारी फाइल सेव हो गई। ओके हाँ, इसको हम लोग क्या करेंगे, रन करा के देखना चाहते हैं, बिल्कुल देख सकते हो, रवि नाम की फाइल है, हमने इसको यहाँ पे रन करा दिया। देखिए आपके सामने क्या हुआ, वही चीज़ ओपन हो गया जो चीज़ मैंने आपको बनाया था, बताया था, ठीक है, बिल्कुल सबको बात समझ में आ गई। ओके हमारा हेडर वन हो गया, हेडर टू हो गया, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, और भी हेडिंग बनाना था, हेडिंग आप बना सकते हो, नहीं बनाना है कोई दिक्कत नहीं, शेल वन हो गया, शेल टू हो गया, शेल थ्री हो गया और शेल फोर हो गया। ओके चलिए।